अपने दम पर जैसा चाहा, मेहनत से वैसा कर डाला। मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला। नमस्कार, मैं हूं जूही मल्होत्रा। नमस्कार, मैं हूं बाबला कोचर। और हम आपके लिए लेकर आए हैं डीडी किसान की ये विशेष कृति, जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड्स। जोरदार तालियां। बाबला जी, मुझे बचपन में सुनी एक कविता की कुछ पंक्तियां आज याद आ रही हैं। इजाजत हो तो सुनाऊं? अवश्य। द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी ने क्या खूब लिखा है, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, एक ध्वज लिए हुए, एक प्रण किए हुए, मातृभूमि के लिए, पितृभूमि के लिए, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, अन्न भूमि में भरा, वारी भूमि में भरा, यत्न कर निकाल लो, रत्न भर निकाल लो। सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं, वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। क्या बात है। बिल्कुल सही। और महिला किसान अवार्ड्स के इस मंच पर आने वाली हर महिला किसान नायिका का जीवन चुनौतियों से भरा हुआ है। वो धैर्य और वीरता की एक प्रतिमूर्ति है। हम सभी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। और साथ ही हम अभिनंदन और स्वागत करते हैं अपने माननीय जजेस का। जोरदार तालियां। डॉक्टर मालविका ददलानी जी का स्वागत किया जाए। जोरदार तालियां एक बार फिर। हम स्वागत करते हैं डॉक्टर बलदेव सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर बलदेव सिंह जी का। हम स्वागत करते हैं अपनी तीसरी जज डॉक्टर प्रेमलता सिंह जी का। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर प्रेमलता सिंह जी का। अब ये बताइए कि धैर्य, गंभीरता, वीरता की प्रतिमूर्ति अगली महिला किसान नायिका कौन है जो इस मंच की शोभा बढ़ाने जा रही है? जी, इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ कबीर धाम कवर्धा छत्तीसगढ़ से आई दुलोरिन पटेल का। दुलोरिन जी, बहुत बहुत स्वागत। जोरदार स्वागत दुलोरिन पटेल जी का किया जाए। दुलोरिन पटेल जी का बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत स्वागत दुलोरिन जी। आपका नाम बेहद खूबसूरत है, मैंने तो पहली बार अपने जीवन में ऐसा सुना है। दुलोरिन का अर्थ क्या होता है? मैं अपनी माँ का दुलारी हूँ, इसलिए माँ की दुलारी। और हम कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि माँ की ये दुलारी है पूरे देश की प्यारी। जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन जी। दुलोरिन जी, दिल्ली तक का सफर कैसा रहा? मैं आपसे बातचीत कर रही थी, आपने मुझे बताया कुछ डर भी लगा आपको आने में, बताइए जरा। जी, पहले तो मेरे को थोड़ा सा डर लगा एरोप्लेन में चढ़ने से, फिर अच्छी लगी थोड़े से बाद में, बहुत अच्छी लगी। यहाँ पर आकर दिल्ली घूमा, मैं पहली बार आई हूँ यहाँ पर। क्या बात है। और पहली बार भी एरोप्लेन में चढ़ा हूँ जी, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। इस राष्ट्रीय मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। दुलोरिन जी, आपके कार्यक्षेत्र पर जहाँ से आप आई हैं उसे खजुराहो भी कहा जाता है, और वहाँ भोले बाबा का एक मंदिर है, भोरम देव का मंदिर। तो आपके इलाके के ऊपर हमने एक सुंदर सी फिल्म बनाई है, पहले वो फिल्म सबको दिखाते हैं और उसके बाद में आपके कार्य के बारे में बातचीत करेंगे। देखते हैं ये पहली फिल्म। छत्तीसगढ़ का कवर्धा जिला, जिसे कबीर धाम के नाम से जाना जाता है, ये क्षेत्र भी देखने दिखाने के काबिल है। कबीर धाम का भोरम देव मंदिर छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहलाता है। भोरम देव कबीर धाम से 18 किलोमीटर की दूरी पर है और राजधानी रायपुर से उत्तर की तरफ 116 किलोमीटर की दूरी पर सकरी नदी के तट पर बसा है। मंदिर के चारों तरफ मैकल पर्वत समूह है, जिसके मध्य हरी भरी घाटी में ये मंदिर है। नैसर्गिक सुंदरता और प्राचीन सभ्यता को अपने भीतर समेटे हुए इस जगह भोरमदेव मंदिर का निर्माण एक सुंदर और विशाल सरोवर के किनारे किया गया है, जिसके चारों ओर फैली पर्वत श्रृंखलाएं और हरी भरी घाटियां पर्यटकों का मन मोह लेती हैं।
मंदिर मूलतः एक शिव मंदिर है। ऐसा कहा जाता है कि शिव के ही एक अन्य रूप में भोरमदेव गोंड समुदाय के उपास्य देव थे। गोंड राजाओं के देवता भोरमदेव थे, जो कि शिव जी का ही एक नाम है, जिसके कारण इस मंदिर का नाम भोरमदेव पड़ा। प्राचीन धरोहर और परंपराओं की नगरी कबीरधाम में रहते हुए भी यहाँ की एक महिला दुलोरिन पटेल अपनी कर्म और सोच से बहुत आधुनिक है। क्या बात, आइए आइए आइए। दुलोरिन जी, आप तो बहुत सुंदर जगह से आई हैं। छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक सौंदर्य के दर्शन तो हमें इस वीडियो में हुए ही हैं, बल्कि शिव मंदिर का जो इतिहास है वो भी हमें जाना है। मैं सीधे बातचीत करना चाहूंगी डॉक्टर मालविका डडलानी जी से कि आप क्या फील कर रही हैं। सबसे पहले दुलोरिन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। जैसा कि पहले भी जूही जी ने, बाबला जी ने बोला कि ये नाम ही आपका इतना प्यारा है। सिर्फ माँ के दुलारे तो सभी बच्चे होती हैं, होते ही हैं, चाहे बेटा हो या बेटी हो, लेकिन आप भी सबकी दुलारी हैं, ये एकदम पता लग रहा है। आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि आप सबकी दुलारी हैं। और आप जिस क्षेत्र से आई हैं, जिस जगह से आई हैं, अभी हमने देखा कि उसको न केवल छत्तीसगढ़ के का खजुराहो कहते हैं, उसकी प्राकृतिक, उस क्षेत्र का प्राकृतिक सौंदर्य भी बहुत अपूर्व है। और ये एक समय में 9वीं से 14वीं सदी तक यहाँ पे नागवंशी राजाओं का राज्य था, और ये राजधानी हुआ करती थी नागवंशी राजाओं की। तो इस क्षेत्र की वैसे भी बहुत महत्ता है। मैं एक छोटा सा, मेरे मन में एक उत्सुकता है जानने की, तो जो लास्ट में जो शॉट दिखाया गया वहाँ पे खेतों में जो महिलाएं काम कर रही थी, आप भी थी उनमें, और आज भी आप जो आई हैं यहाँ पे एक खास तरह की वेशभूषा में हैं। इसी रंग की साड़ियाँ सबने पहनी हैं, एक जैसी साड़ियाँ, एक जैसी ब्लाउज़ और पूरी वेशभूषा, इसका कोई कारण? जी, हम लोग समूह का लोग हैं। जी जी, हम लोग पहले हम लोग मेहनत मजदूरी करते थे मनरेगा में, फिर हमारे पास कृषि विभाग आत्मा योजना से कर्मचारी अधिकारी लोग आए और हम लोगों को योजना के बारे में बताए, समूह की योजना के बारे में। समूह के योजना के तो ये सब जो महिलाएं काम कार्यरत थी वो सब आपके समूह की हैं? हाँ, मेरी। और आप समूह की महिलाएं सब एक जैसी वेशभूषा पहनती हैं? जी। वाह, बहुत क्या बात है। देखिए आगे, देखते हैं इनके कार्य क्षेत्र पर बनी एक और फिल्म, और फिर बातचीत के सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। कबीरधाम की दुलोरिन बाई ने जीवन यापन के लिए जिस मार्ग को अपनाया है वो हमें इस बात को सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि इंसान चाहे जहाँ से अपने लिए रास्ते निकाल सकता है, बस वो दिल से चाह ले एक बार। ऐसे ऐसे कामों से उन्होंने अपने लिए रोजगार के अवसर पैदा किए जिसकी आमतौर पर कल्पना भी नहीं की जा सकती। छत्तीसगढ़ की प्रसिद्ध शाक अमारी भाजी से जूस निर्माण का काम, ये ऐसा काम है जिसमें लागत बहुत कम है, मगर इसकी नवीनता और आयुर्वेदिक महत्ता ने इसे मूल्यवान बना दिया है। बेल से शरबत का निर्माण, आयुर्वेद की ओर लोगों का बढ़ते रुझान के चलते ऐसे उत्पाद अच्छा प्रतिसाद पाते हैं। चरौटा भाजी के बीज से कॉफी का निर्माण, विशुद्ध जंगल में मिलने वाले शहद का भंडारण, फिर विपणन, सीताफल से आइसक्रीम, जामुन से आइसक्रीम का निर्माण, प्रकृति के बहुत नजदीक रहते हुए प्राकृतिक वस्तुओं का व्यापार करना, ऐसी व्यवसायिक सोच रखने वाली महिला का आर्थिक रूप से संवर जाना समझी सी बात है। इन तमाम उत्पादों और सफलता के पीछे कृषि विभाग का अच्छा योगदान रहा है। पहले हम लोग समूह बनाए, फिर कृषि विज्ञान केंद्र गए, कृषि विभाग भी गए, मदद मिला सीखने के लिए, ट्रेनिंग भी दिया हम लोगों को, और आत्मा की तरफ से बहुत सारा मतलब ट्रेनिंग मिला हम लोगों को। फिर हम लोग
रेलिंग लेकर फिर बनाने लगे हैं। वो भाजी होता है हमारी का भाजी, उसको भाजी भी खाते हैं हम लोग, और उसका फूल से हम लोग जूस बनाते हैं। फिर बेल का भी बनाते हैं हम लोग जूस, और सीताफल नारियल का भी आइसक्रीम बनाते हैं। फिर हम लोग दुकान खोला जिला पंचायत के पास, हम लोगों को दुकान मिला है, वहाँ पर हम लोग बेच रहे हैं। जब संकल्प विकास का हो तो विकास होता भी सर्वांगिक है। इंसान की व्यक्तिगत सोच उनके जीवन के लिए बहुत ही निर्णायक हुआ करती है। जैसे दुलोरिन पटेल ने कबीर धाम में अपने उत्पाद के जरिए अपनी आधुनिक सोच का परचम लहराया। असुविधा और पिछड़ेपन की दुहाई देना नहीं सीखा दुलोरिन ने। जिनसे जो सीखने मिला दुलोरिन ने उनसे वो सीखा, बिना इस बात की चिंता किए कि तमाम संसाधनों का इंतजाम होगा कैसे। बस अपने हौसलों से अपने स्व सहायता समूह में प्राण फूंकती दुलोरिन पटेल आगे बढ़ती गई। क्या बात है, आइए दुलोरिन पटेल जी, आइए आइए। दुलोरिन जी के जीवन में अभाव तो थे ही, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े थे, और जब केवीके का साथ इन्हें मिला तो सपने हकीकत में बदल गए। अपने जजेस से बात करते हैं कि वो क्या महसूस कर रहे हैं। हमने देखा कि आप जैसे आइसक्रीम भी बना रही हैं, जूस भी बना रही हैं, कॉफ़ी भी एक तरह की एक कुछ बना रही हैं, तो इसमें क्या खास बात है जो आपकी आइसक्रीम में, जो आम आइसक्रीम में नहीं होती है? जी, हम लोग फल से बनाते हैं, जैसे सीताफल है उसके बनाते हैं, और नारियल है, नारियल से भी बनाते हैं आइसक्रीम, और जो जंगल में रहते हैं वो जामुन, काला वाला जामुन होता है ना, उससे भी हम लोग आइसक्रीम बनाते हैं। और जो बेल है, बेल तो ऐसे हमारे क्षेत्र में फेंका रहे हैं, खाने के लिए कोई भी नहीं होता, वो ऐसे फेंका देते हैं, उसको हम लोग जूस और आइसक्रीम बना रहे हैं वो भी। और तेंदू होता है हमारे जंगल एरिया में, वो तेंदू का भी हम लोग आइसक्रीम बनाए हैं। जो राम फल होता है उसको भी हम लोग आइसक्रीम बना रहे हैं। तो ये सब कहाँ से लाती हैं? जैसे वैसे ही होता है तो उसके लिए कुछ कीमत देनी पड़ती है आपको? जैसे जामुन है, सीताफल है, ये कहाँ से लाती हैं? जो सीताफल है वो जंगल नक्सरी में होते हैं वो भी, और जो जामुन भी है वो भी जंगल में, अपने आसपास जंगल में हो जाते हैं, उसको हम लोग इकट्ठे कर लेते हैं। अच्छा, और ये बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मिलकर और एक सी रंग की एक सी साड़ी पहन के आप लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। इसके अलावा भी कुछ कर रहे हैं खेती में या वैसे कुछ? नहीं जी, हम लोग दुकानी में काम करते हैं। हम लोग पहले मजदूरी करते, तो अब हम लोग दुकान में अपने स्वयं के काम कर रहे हैं। ये दुकान कहाँ पर है और कैसे मिली आपको, या आपने ली ये? ये दुकान हमारे कबीर धाम में जिला पंचायत के पास हम लोगों को मिला है। हम लोग कलेक्टर महोदय से मांग किए थे, और कलेक्टर महोदय हम लोगों को दुकान दिया है। अच्छा, इससे आपको आइसक्रीम से, जूस से कितना फ़ायदा हो जाता है? जैसे कितना आपकी लागत लगती है और कितना फ़ायदा हो जाता है? हम लोगों को तो लागत तो कम लगती है, फ़ायदा प्रति वर्ष लगभग 5 लाख रुपए कमा लेते हैं। क्या बात है, बहुत खूब। आपको इस तरह का रुचि और ये सब करने वाला किसी विज्ञान के अलावा और कहीं से आपको सूचना मिली? जी, कृषि विभाग आत्मा योजना से। आत्मा जी, वो आपके यहाँ आते रहते हैं? जी जी, आते रहते हैं। अच्छा। हम लोग जाते भी हैं। जाते भी हैं जी। प्रशिक्षण आत्मा भी कराती है? प्रशिक्षण आत्मा द्वारा हम लोगों को मिला। अच्छा अच्छा। और कृषि केंद्र भी गए थे हम लोग। मैंने देखा कि आपके जो पेय पदार्थ है, शरबत बनाई है, ये सब इसका वो प्रमाण कहीं वो सर्टिफिकेशन करवाती हैं? जी, करवाते हैं। कहाँ से होता है? पंजीयन करते हैं, वहाँ से हम लोग करवाते हैं। कितने मेंबर हैं आपके ग्रुप में? 12 महिलाएं हैं। अच्छा, इसका वो लेखा जोखा जो हिसाब किताब सब रखती हैं? जी। हाँ, आप करती हैं? हम लोग तो कम पढ़ा लिखा है, पढ़े लिखे भी नहीं है,
ज़्यादा थोड़ा से पढ़ा है, वो उसको हम लोग रखे हैं पढ़ने हिसाब कराने के लिए। नहीं, बहुत अच्छा। अच्छा, इसका मुनाफा का अनुमान तो आपको होता होगा जी, कितना फायदा हो रहा है? जी होता है। चलिए, बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा। दिलोरिन जी के साथ बातचीत के सिलसिले को आगे लेकर चलेंगे, और भी कुछ ऐसी दिलचस्प बातें हैं जो आप सभी को बतानी है। आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम जल्द लौट कर आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीडी किसान पर आप देख रहे हैं ये विशेष कृति जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। और ये तालियां दुलोरिन पटेल जी के लिए भी बजती रहनी चाहिए, जो कि छत्तीसगढ़ से इस वक्त आई हैं और इस राष्ट्रीय मंच की शोभा बढ़ा रही हैं। दुलोरिन जी, आपके कार्यक्षेत्र पर एक और फिल्म बनाई है जो कि और ज्यादा विस्तार से बताएगी कि आप क्या कुछ कर रही हैं। वो फिल्म हम दिखाते हैं और उसके बाद में जजेस के पास में जाएंगे और जजेस आपका वैज्ञानिक मूल्यांकन करेंगे। आइए देखते हैं अगली फिल्म। मिलने वाली सफलता भी वो उगता हुआ सूरज है जिसकी लालिमा छुपाए नहीं छुप सकती। दुलोरिन पटेल से लोग प्रभावित हुए, दुलोरिन पटेल पहचान ली गई, उन्हें प्रशंसक भी मिले, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले लोग भी मिले। दुलोरिन पटेल को सम्मान मिला और सम्मान देने वालों ने पाई प्रेरणा। समूह में जुड़े तक कृषि केंद्र से मतलब काम दे सवा है, काम करो, कुछ काम करोगे ये तो ट्रेनिंग दे सवा है। हम आइसक्रीम बना है तो सब लग बेच के उत्पादन करके हम लोग को आमदनी मिलता है। आज कबीरधाम क्षेत्र के बहुत से गांव में बहुत सी महिलाओं ने स्व सहायता समूह बनाकर उद्यम करना शुरू कर दिया है। इस क्षेत्र विशेष में ग्रामीण महिलाओं की बदलती आर्थिकीय के लिए दुलोरिन पटेल को साधुवाद पहुंच रहा है। दुलोरिन दीदी के साथ जुड़े हैं तो हमन ला सीखे हैं और सीखा हैं और पैसा ला धीरे धीरे हमन हा मतलब काम आते, कुछ शादी घर बिहा में जब लड़का उका बीमार पड़ते हमन दे सकथन ला सकथन, वो पैसा कुछ कुछ बैंक में जमा है और इसने अपन तबियत उबियत लड़का मन के पढ़ाई उढ़ाई में लगा लेते। आज कबीरधाम में कृषि केंद्र और कृषि विभाग के सहयोग से स्व सहायता समूह बनाकर महिलाएं वे ही नहीं कर रही है जो दुलोरिन पटेल ने किया है, बल्कि कुछ ने मछली पालन को भी अपनाया है और सफल हो रही हैं। दुलोरिन पटेल दीदी देखे हैं समूह फायदा, हम समूह बनाए हवन 11 जन हन, हमारे समूह वाले दीदी मन 11 जन हवन। हमारी स्थिति है वो समय बहुत खराब रही से मछली पालन करत हन, उधर से हमें बहुत फायदा मिले है। दुलोरिन पटेल ने अपने कर्म से अप्रत्यक्ष रूप से सभी महिलाओं को जो शिक्षा दी है उसके सार में जाएं तो यही बात सामने आती है कि शिक्षा का स्तर चाहे जो हो, उम्र चाहे जो हो, यदि इरादे हैं तो काम किया जा सकता है, रोजगार पैदा की जा सकती है। कबीरधाम जाया जाना चाहिए छत्तीसगढ़ की पुरातात्विक महत्व को समझने के लिए, अपनी परंपराओं को जानने के लिए और दुलोरिन पटेल से ये सीखने के लिए कि परंपराओं की जमीन में आधुनिकता पल्लवित कैसे होती है। क्या बात है, आइए दुलोरिन पटेल जी, आइए आइए। दुलोरिन जी कितने कार्य कर रही हैं? देखिए, जूस का निर्माण करती हैं, कॉफी, शहद, जामुन सीताफल भी उगाती हैं और नारियल से बनी आइसक्रीम भी बना रही हैं। मेरे मुंह में पानी आ गया। जी जी जी, अब रुक जाइए, मेरे पास में रुमाल नहीं है। आइए देखिए जजेस क्या कहते हैं। सिर्फ छोटे छोटे एक दो मेरे मन में प्रश्न कुछ नहीं, उत्सुकता है जानने की, आपसे मैं जानना चाहूंगी ये जो आइसक्रीम आप बनाती हैं ये साल भर तो इसकी बहुत ज्यादा बिक्री नहीं होती होगी, ये तो एक सीजनल चीज़ है ना, जब गर्मियों के दिनों में ज़्यादा लोग आइसक्रीम खाते हैं
सर्दियों में तो आप आइसक्रीम नहीं बनाती होंगी, बनाती हैं क्या? बनाते हैं मैम। सर्दियों में भी बनाती हैं, बिक्री भी उतनी होती है? जी मैम। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि जो आपको वहाँ से एक बिक्री केंद्र दिया गया है, वहाँ पे किस तरह की आपने व्यवस्था रखी है, जो कि आइसक्रीम रखने के लिए एक तरह की फ्रीज़र की मतलब सब ज़ीरो हम टेम्परेचर बोलते हैं कि ज़ीरो डिग्री के नीचे का तापमान वाले फ्रीज़र की ज़रूरत होती है। आपके यहाँ पे बिजली की कोई समस्या तो नहीं है? 24 घंटे बिजली आती है? जी मैम, 24 घंटे आती है जी। कभी ये समस्या नहीं आई कि कभी बिजली बीच में चली गई हो या आइसक्रीम कुछ पिघल गया हो? नहीं होते ऐसे। हुआ ही नहीं कभी? नहीं, भी नहीं हुआ? नहीं हुआ मैम। इतने सालों में? नहीं, ये एक बहुत उसकी बात है। ये तो बड़ी उपलब्धि है, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है कि ग्रामीण इलाके से आने वाली महिलाएं कह रही हैं कि 24 घंटे बिजली आती है। क्योंकि बड़े शहरों में भी ये नहीं हो पाता है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि की बात आप बता रही हैं। ये बताइए मुझे कि आइसक्रीम है आपके जो मेन हमने देखे, जो प्रमुख आपकी चीज़ें हैं, एक आइसक्रीम है और जूस है। बेल का जूस बनाती हैं या बेल का कॉन्सेंट्रेट? कॉन्सेंट्रेट वो होता है जिसमें कि मान लीजिए आपने एक मात्रा बेल के जूस की डाली और उसमें चार गुना पानी मिलाया, तब वो पीने के लिए रेडी होता है। और बेल का जूस वो होता है जो कि आपने बोतल खोला, गिलास में डाला और पी सकते हैं। तो आप कौन सा बनाती हैं? बोतल खोला और सीधा पी जाता है जूस बनाती हैं। तो मैं आपको ये सलाह देना चाहूँगी कि जो बेल का जो नेक्टर जिसको हम कहते हैं कॉन्सेंट्रेट जो होता है, उसका भी प्रशिक्षण आप केवीके में जाके उनसे कह सकते हैं या आत्मा में जाके उनसे आप कह सकती हैं। क्योंकि जो नेक्टर होता है ना, उसका जो कॉन्सेंट्रेट होता है, उसको आप ज़्यादा दिन तक रख सकती हैं, उसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है और आपको ज़्यादा फ़ायदा दे सकती है। आप आगे इसके बारे में सोचें। जी। मैं ये जानना चाहता कि आप लोग मिलजुल करके ये बना रही हैं जी। तो उसमें जो बाज़ार से उसकी बिक्री में जो पैसा आता है उसको आपस में बंटवारा किस हिसाब से करती हैं? हम लोग सभी लोग मजदूरी के जैसे हम लोग बाहर जाते थे पहले मजदूरी करने के लिए, तो वो मजदूरी हम लोग अपनी दुकान में कर रहे हैं और उसी को हम लोग अपनी मजदूरी के लिए निकाल रहे हैं काम। अच्छा अच्छा। और इससे जो फ़ायदा हो रहा है वो मान लीजिए मजदूरी का हिसाब कर लिया सबका, दो दिन एक दिन जितने दिन काम किया उसका हिसाब हो गया जी। और इसका बाज़ार में जो ऊपर से मुनाफा हो रहा है सब खर्चे निकाले वो उसको हम लोग अपने अकाउंट में जमा करके रखते हैं और जिसके घर में तकलीफ होते हैं उसको ब्याज देते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा। चलिए, कबीर धाम में आपके यहाँ जो हैं, जो महिलाएं हैं, जो लड़कियां हैं, उनका नंबर ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले, लड़कों के मुकाबले? वाह, जाके जबकि देश में समस्या कुछ और है। हाँ, इसके उलट है। हाँ, आपके उलट है, तो इसके लिए तो बहुत, ये मुझे बहुत खुशी हुई है जानकर, और इसीलिए शायद सभी वहाँ पर दुलारी हैं। तो ये बताइए कि जैसे आपने अब ये मशीन वगैरह ली, तो इसके लिए कोई लोन लिया था? जैसे आइसक्रीम के लिए फ्रीज़र लिया होगा, जूस बनाने की भी मशीन ली होगी, कैसे किया ये आपने? ये सब मशीन वगैरह हमको कृषि विभाग आत्मा द्वारा मिले हैं। अच्छा। दुलोरिन जी, आपके साथ छत्तीसगढ़ से यहाँ स्टूडियो में कौन आया है? मेरा देवर आया है। देवर आए हैं आपके, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना परिचय दें, अपने बारे में कुछ बताएं। मैं मोहन पटेल, ये मेरी भाभी है और मैं ये देखकर बहुत आनंद महसूस कर रहा हूँ कि ये भाभी के वजह से मैं दिल्ली आ पाया जी। और मेरे को अच्छा लग रहा है यहाँ। अच्छा, ये बताएं, आज भाभी राष्ट्रीय मंच पे खड़ी हैं और इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल की है, आप भाभी से प्रेरित हो रहे हैं, कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो भाभी ने किया? हाँ सर, ऐसा करना चाहेंगे। अच्छा, ये बताइए, आपका विवाह हो गया? जी हो गया। हाँ। अच्छा, अगर नहीं हुआ था तो मैं आपसे ये जरूर पूछता कि भाभी के जैसी पत्नी आप लाएंगे कि नहीं लाएंगे? नहीं, मेरे पत्नी ऑलरेडी आंगनबाड़ी में। अच्छा, तो भाभी के जैसी हैं वो? हाँ। अरे वाह, आपके पूरे परिवार का अभिनंदन।
जी बाबला जी, मैं इनकी बात सुनकर यही कहना चाहूंगी कि खुशियों की था में चाबी आज महिला किसान अवार्ड्स के मंच पे आ गई है इनकी भाभी। जोरदार तालियों से स्वागत जी। मूल्यांकन की प्रक्रिया को अब आगे बढ़ाते हैं। दुलोरिन जी, आपसे मैं निवेदन करूंगी कि आप दर्शकों के बीच जाकर अपने स्थान पर बैठिए। ब्रेक के उस पार एक और महिला किसान से अपने दर्शकों को मिलवाएंगे और आपके अंक भी हम बताएंगे। आप देखते रहिए महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा, देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीडी किसान पर आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड्स। जूही जी, अब जल्दी से ये बताइए कि अब इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए हिम्मत, मेहनत और कर्मठता की प्रतिमूर्ति वो कौन महिला किसान नायिका हैं जो आ रही हैं? जी, अब जो महिला किसान नायिका हमारे बीच आने जा रही हैं, वो कांकेर उत्तर बस्तर छत्तीसगढ़ से आई हैं। उनका नाम है लकेश बाई। बहुत बहुत स्वागत है लकेश जी का। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए लकेश बाई जी का। आइए आइए आइए, यहाँ आइए, यहाँ आ जाइए लकेश जी, इधर इधर आ जाइए यहाँ पे। लकेश जी, कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छी हैं। आपका दिल्ली तक का सफर कैसा रहा, कुछ बताइए। अच्छी है मैं। अच्छा रहा? पहली बार हवाई जहाज में चढ़ी है। कैसा लगा हवाई जहाज में बैठने के बाद? पहले डर लगा, फिर अच्छा लगा। पहले डर लगा और फिर अच्छा लगा। तो अब आदत पड़ जाएगी आपको हवाई जहाज में सफर करने की। आप जो कामयाबी हासिल कर रही हैं, अब आप लगातार हवाई जहाज में ही सफर करेंगी। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ में। लकेश जी के बारे में एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सन 2016 में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर की ओर से इन्हें फार्मर्स फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया। तो आइए अब बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। आप जो कार्य कर रही हैं, आपके परिवेश पर एक फिल्म बनाई है, पहले वो फिल्म देखते हैं और फिर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं पहली फिल्म। छत्तीसगढ़ का बस्तर क्षेत्र, इसका जिक्र आते ही कुछ बातें जहन में अनायास ही आ जाती है, जैसे बस्तर का वन, बस्तर का सौंदर्य, बस्तर की ताजी आबोहवा, बस्तर की नदियाँ, बस्तर के झरने, बस्तर का वनोपज, बस्तर के लौह खनिज, बस्तर की जनजाति, बस्तर का शिल्प, बस्तर की लोक कला, बस्तर को मिला प्रकृति का आशीष। बस्तर का कांकेर, इसे भी प्रकृति ने अपना भरपूर दुलार दिया है। ऊंचे ऊंचे पर्वतों का मुकुट पहना ये वनों से आच्छादित क्षेत्र हर तरह से मनमोहक है। महानदी के तट पर बसा उत्तर बस्तर के नरहरपुर ब्लॉक के थानाबाड़ी गांव एक जुझारू महिला कृषक की वजह से पहचाना जाने लगा है। इस महिला के संघर्ष और संघर्ष से उपजी उपलब्धियों की फेहरिस्त लंबी है। इस सफल महिला कृषक का नाम है लकेश बाई। लकेश बाई के गांव तक कृषि के क्षेत्र में अपनी विशेष योगदान के चलते जिन्होंने पाया है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय का साल 2016 का फॉर्मर फेलोशिप अवार्ड। आइए लकेश भाई, इधर आइए जी, सामने आ जाइए। बस्तर छत्तीसगढ़ जहां से लकेश भाई आए हैं, वो वाकई प्राकृतिक मनमोहक नजारों से लैस है। अपने जजेस से पूछते हैं उन्हें कैसा लग रहा है। डॉक्टर प्रेमलता जी, फिल्म देखने के बाद आपके क्या भाव हैं? मुझे तो लगता है कि इस कार्यक्रम के द्वारा हमारा तो बहुत सुंदर भारत दर्शन हो रहा है। और आप तो लकेश इतनी सुंदर जगह से आए हैं जहाँ की इतने प्यारे, जहाँ पर वन भी हैं और झरने भी हैं, पहाड़ी भी हैं, सब कुछ इतनी खूबसूरती है यहाँ। तो
और आपके क्षेत्र के बारे में पता चला है, वो तो इतना सुंदर है कि वहाँ ऋषि मुनि भी वहीं पर रहते थे, बहुत से ऋषि मुनि वहाँ रहे हैं जी। आपका स्वागत है जी। जी, जी। जीवन में अभाव होते हैं तो अलग अलग लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती हैं, कुछ उन अभावों के बोझ तले दब जाते हैं और जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं उन अभावों को दूर करने के लिए कर्मठता का सहारा लेते हैं, जीवन में आगे बढ़ते हैं, नित नया ज्ञान अर्जित करते हैं और अपने आप को अंग्रेजी में कहा जाता है अपडेट करते हैं और मेहनत का उसमें तड़का लगा देते हैं और कामयाबी की एक मिसाल बन के यहाँ पे इस मंच पे आते हैं। ऐसी ही एक प्रतिभा है आप लकेश भाई जी, बहुत बहुत अभिनंदन आपका। लकेश जी, आपके कार्यक्षेत्र पर आप क्या कुछ विशेष रूप से कर रही हैं? एक और फिल्म बनाई है, वो फिल्म हम सबको दिखाएंगे और फिर उसके बाद में जजेस से निवेदन करेंगे कि वो मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। आइए देखते हैं ये अगली फिल्म। लकेश भाई का शुरुआती दौर भी निर्धनता में ही गुजरा है। महज 2 एकड़ की जमीन थी और फसल वही पारंपरिक रूप से धान की, मगर आज लकेश भाई के प्रक्षेत्र से धान नदारद है और खेत में वैज्ञानिकता पसरी हुई है। लकेश भाई का अपना मानना है कि समृद्धि और सफलता पाने के लिए परंपरागत खेती के चक्र को तोड़कर बाहर आना बहुत जरूरी होता है और यही साहस सफलता दिलाती है। कृषि की पुरातन परंपराओं को तोड़कर बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता होता है कृषि में आधुनिकता का समावेश करना। उन्हें आधुनिक कृषि के लिए कांकेर के कृषि विज्ञान केंद्र का पूरा पूरा मार्गदर्शन मिला। वहां लकेश भाई ने समन्वित कृषि सीखा। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग शीट जैसी आधुनिक खेती की तकनीक से लैस लकेश भाई के खेत उनकी आधुनिक सोच का परिचय देती हैं। मगर ऐसी खुशहाली सदा से नहीं थी। आधुनिक खेती अपनाने से पहले लकेश भाई भी उन्हीं परेशानियों से जूझ रही थी जिससे अमूमन सभी पारंपरिक कृषक जूझा करते हैं। पूर्व में धान की खेती करत रहे 4 एकड़ में, ओ में मोला मिलत रहीस 50 से 60 हजार आमदनी, भरण पोषण नहीं होत रहीस, कपड़ा लत्ता बतर से, इसी प्रकार सभी बच्चे मतलब पढ़ाए बन नहीं सकत रहे, मोर बच्चा मतलब दूर में पढ़ाऊँ करके बोले, फिर नहीं होत रहीस मोर पास कुछ काम सीखो करके मैं बोले और साथ में पति रही ले जाओ कि साथ में चलो और अच्छा से खेती करो करके। जब मैं कृषि विज्ञान केंद्र गई तो मार्गदर्शन दिए और समन्वित खेती के बारे में कुछ जानकारी दिए, सब्जी लगाए के चालू कर दिए, मिर्ची लगाए, करेला और फूल गोभी, टमाटर, ये सभी सब्जी लगाए, ओकर से मोला एक से तीन फसल लगाने चालू कर दिए, 3 से 4 लाख की आमदनी हुई। फिर मैं पशुपालन, बकरी पालन, मुर्गी पालन, मछली सह बदक पालन चालू किए। कृषि विज्ञान केंद्र से हासिल जानकारियों और सहयोग की बदौलत लकेश भाई सब्जियों की खेती करती हैं, पशुपालन करती हैं, मछली पालन करती है, बतक पालन करती है और सबसे बड़ी बात इतनी विविधता के बीच उन्होंने अच्छा सामंजस्य भी बिठाया है। कृषि विज्ञान केंद्र में मिलने वाली तकनीकी जानकारियों ने बदल डाला लकेश भाई का जीवन स्तर। समन्वित कृषि तकनीक यानी इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम को गहराई से समझकर लकेश भाई ने अपने खेत को नया ही रूप दे डाला। परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली धान से मिली मुक्ति, अपने पास की 2 एकड़ भूमि का उपयोग सबसे पहले सब्जी उत्पादित करने में लगाया लकेश भाई ने। धीरे धीरे काम बढ़ता गया, साथ ही साथ खेती का रकबा भी बढ़ता चला गया। अब लकेश भाई के पास खेती के लिए 4 एकड़ भूमि थी। इससे समन्वित खेती और कृषि विविधीकरण को और भी बल मिला। उन्होंने मछली के साथ बतख पालन भी प्रारंभ किया। उन्नत नस्ल की 6 गायों से आरंभ हुआ एक विकसित डेयरी फार्म जिसकी दुग्ध उत्पादन क्षमता 75 लीटर प्रतिदिन है। साथ ही साथ बकरी पालन का काम, मिलने वाली समृद्धि और जरूरतों के चलते खेत का रकबा बढ़ता ही चला गया। आज लकेश भाई के पास 6 एकड़ की वो कृषि भूमि है जिसका इंच इंच उपयोगी है और आर्थिक महत्व का भी।
समाज जब भी किसी के कार्यों का मूल्यांकन करता है तो इस बात का ख्याल रखते हुए करता है कि आपने समाज से लिया कितना है और समाज को दिया कितना है। लकेश भाई ने अपने जीवन को तो संवारा ही है, अपने साथ साथ न जाने कितनी महिलाओं के जीवन में खुशियों के फूल बिखेर दिए हैं। आइए अपनी जजेस से बातचीत करते हैं। अभी जो हमने एक वीडियो फिल्म जो आपके ऊपर बनाई गई है, इसमें हमने देखा कि कैसे आप पहले धान की खेती करती थी, केवल धान की खेती करती थी, और अब आपने समन्वित खेती शुरू किया है जी। अब आप धान की खेती बिल्कुल नहीं करती या कुछ करती हैं? करती हूँ मैडम। कितना एकड़? रेज में करती हूँ। हाँ, रेज डेढ़ एकड़। और आपके पास कुल भूमि कितनी है? 4 एकड़ है। कुल सब मिला के 4 या 6? 6 है। 6 है ना जी। तो जो 1.5 एकड़ में आप धान की खेती करती हैं, वो आपके अपने ज़रूरत के लिए काफ़ी है या आप उसको बेचती भी हैं? अपने ज़रूरत के लिए है। ज़रूरत के लिए। और बाकी सब्जियों को आप मार्केटिंग कहाँ करती हैं? पहले बाज़ार में जाती थी। हाँ, अब बाज़ार में जाती थी पहले जी, और उसके बाद ज़्यादा बढ़ गए जी, तो मार्केट ले मंडी ले जाते हैं। मंडी ले जाते हैं जी। तो कोई आपको मदद करते हैं उसमें? आपके परिवार से पति या आपके कोई ले जाते हैं मंडी में? कैसे ले जाती हैं आप? पिकअप से ले जाते हैं। पिकअप से जी। तो वो लोग कलेक्ट आपके यहाँ से उठा लेते हैं सब्जियाँ जी। अच्छा, मैं एक छोटी सी बात जानना चाह रही थी कि ये जो जो जानकारी हमें यहाँ पे दी गई है जी, उसमें मैं देख रही हूँ कि आप बहुत उन्नत सारी किस्में लगाती हैं, जो वैरायटी है सब्जियों की, चाहे टमाटर है, मिर्ची है, बैंगन है या धान भी है, सब उन्नत किस्मों के बीज आपने लगाए हैं जी। तो ये बीज आपको कहाँ से मिलते हैं? कृषि विज्ञान केंद्र से लाते हूँ और बीज भंडार से लाते हूँ। कहाँ से? विभाग से? कांकेर से। कांकेर के विभाग से लाते हैं। बाजार से नहीं खरीदते? नहीं, बाजार से कोई बीज नहीं खरीदते। नहीं खरीदते बाजार से। तो विभाग से जो आप लाती हैं, खरीद के लाती हैं या आपको मिलता है? मिलता है। आपको मिलता है जी। अच्छा, ये फिल्म में बताया गया कि आप 2009-10 से आपने इस तरह से समन्वित खेती शुरू की है जी। तो अभी आपकी आमदनी सालाना कितनी हो जाती है? अभी आमदनी सभी का है 6 से 7 लाख हो जाता है। 6 से 7 जी। बहुत। मैंने देखा कि आप भाई उन्नत किस्में नई नई लगाई हैं, इन सब का प्रशिक्षण आपको कृषि विज्ञान केंद्र से मिला है जी। ये बताइए, इससे पहले आप क्या कर रही थी? देसी धान के अलावा और सब्जी वब्जी कर रही थी? नहीं, सब्जी लगाती थी। सब्जी लगाती थी। मैंने देखा उसमें सिंचाई का अच्छा व्यवस्था, अच्छी व्यवस्था है। इसके लिए सरकारी अनुदान मिला था जी? कहाँ से मिला था? कृषि विज्ञान केंद्र से। कृषि विज्ञान केंद्र जी, 25,000 का अनुदान प्राप्त। इसी कृषि विभाग से मिलता है? कृषि विज्ञान तो तकनीकी आपको देती है सहायता जी। तो ये इसका जो ले तक सहायता लेने में परेशानी तो नहीं हुई जी? इसका कोई फॉर्म भरवाया गया था? कुछ लिखा पढ़ी की गई थी जी? हैं जी। तो उसमें परेशानी तो नहीं कोई आपको हुई? नहीं। वो आपके यहाँ आके किए थे कि आप वहाँ गई थी? वहाँ गए थे पहले, उसके बाद आते हैं। अच्छा, नहीं बहुत अच्छा है। ये बताइए, आप गायों का भी कर रही हैं ना जी? गाय है, बकरी है? गाय पालन है, बकरी पालन हाँ। है। हाँ, कितनी संख्या है बकरियों की? 49 बकरी है। 49? इसमें क्या दूध इसका क्या करती हैं? बच्चे को पिलाते हैं। सब बच्चे को जी? ये हम देख रहे थे, बड़ी बड़ी बकरियाँ हैं जी, जमुनापारी टाइप की हैं, क्योंकि दूध अच्छा दे देती हैं। तो खुद तो बचता नहीं है? खुद का उसका बच्चे को पिला देते हैं। हाँ, बचता बिल्कुल नहीं? नहीं। अच्छा अच्छा, और फिर इसके जो बच्चे हैं उसको बेचती होंगी? बच्चे नहीं बेचते। हाँ, बढ़ाती रहती हैं? नहीं, बड़ा होता बेचते हैं,
बड़ा है वो बकरा, उसको बेचते हैं। बकरा को जी कितने कीमत हो जाता होगा एक बकरा, और कितने 6 महीने बाद, कितने महीने बाद बेचते हैं? 6 महीना में। कितना मिल जाता है एक बकरे से? एक बकरी का 10 से 15 हज़ार। 10 से 15 हज़ार। बहुत अच्छा, क्या बात है। लकेश पाई की सफलता की कहानी को विस्तार देंगे, लेकिन छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ हमें रुकना पड़ेगा। हम बहुत जल्द लौट कर आएंगे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डीडी किसान पर आप देख रहे हैं ये विशेष कार्यक्रम जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड। जोरदार तालियां, और ये तालियां विशेष रूप से बजनी चाहिए हमारी आज की महिला किसान नायिका लकेश बाई जी के लिए। इनकी विशेषता क्या है? इनकी विशेषता यह है कि इन्होंने मेहनत करके न सिर्फ खुद को कामयाब बनाया, बल्कि इन्होंने अपने गांव की आसपास की जितनी महिलाएं हैं उनके जीवन को भी बेहतर बनाया, उनके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदली। बिल्कुल, ये कार्य इन्होंने कैसे किया आइए देखते हैं अगली फिल्म में। अपनी पिछली आय की तुलना में अपनी आय कई गुना बढ़ा चुकी लकेश बाई अब आसपास के किसानों का हौसला भी बढ़ा रही हैं। अपने क्षेत्र में कृषि जगत के लिए एक जीवंत उदाहरण बनी हुई है लकेश बाई। उनको देखे परंपरागत खेती का मोह भंग हुआ जा रहा है आसपास के किसानों में भी। अब तक कई महिला पुरुषों को आधुनिक कृषि के लिए जागरूक कर चुकी हैं लकेश बाई। एक महिला के सुकर्म के प्रकाश से कोई क्षेत्र किस तरह से प्रकाशित होता है यदि कहीं देखना हो तो लकेश बाई के गांव थाना बोड़ी और आसपास के गांव की सैर की जानी चाहिए, जहां की महिलाओं ने भी लकेश बाई की ही तर्ज पर कृषि विज्ञान केंद्र का दरवाजा खटखटाया है। लकेश दीदी जो कि अच्छा से समन्वित कृषि कर रही है, उससे प्रेरित होकर हम लोग भी सुगंधित चावल का उत्पादन कर रहे हैं। साथ ही साथ समन्वित कृषि प्रणाली योजना अपनाकर अपने गांव में हम लोग बेहतर जिंदगी जीवन यापन करने की हम लोगों की भी इच्छा है। कृषि विज्ञान केंद्र है लकेश दीदी ला आगे बढ़ावा थे, वैसे हमन भी आगे बढ़त हन। हमन बकरी पालन कुकरी मुर्गी पालन करत हन। नरहरपुर ब्लॉक के पुरियारा गाँव का कड़कनाथ महिला स्व सहायता समूह को मिलने वाली सफलता अन्य महिलाओं के लिए एक और प्रेरक कथा हो सकती है। लकेश दीदी बहुत आगे बढ़ चुकी हैं, उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग मिला और हम भी कड़कनाथ मुर्गी पालन कर रहे हैं। इसके लिए हमें कृषि विज्ञान केंद्र से सहयोग मिलता है और अच्छी अच्छी बात जानने को मिलता है, इसीलिए हम भी आगे बकरी पालन का भी सोच रहे हैं। लकेश भाई की सफलता ने कई रूप धरे हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाली महिलाएं और भी बढ़ चढ़कर अपना काम कर रही हैं। लकेश भाई की तरह की महिलाएं वो दिया होती हैं जिसकी लौ से लौ लेकर नया दीपक बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के बस्तर के नरहरपुर ब्लॉक में नित रोज ऐसे दिए बढ़ते जा रहे हैं, उजाला है कि बढ़ता ही चला जा रहा है। आइए, कहते हैं कि जीवन में कुछ भी आसानी से नहीं मिलता, और लकेश भाई की जीवन की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। कृषि विज्ञान केंद्र से इन्हें सहयोग मिला, खेती के तौर तरीकों में नवीनीकरण किया लकेश जी ने, और आज सफलता की मूर्त बनकर यहाँ पर इस मंच पर आ गई हैं। हमारे जजेस क्या कहेंगे? लकेश जी बड़ा अच्छा लगा यह जानकर कि आपकी ज़िंदगी में उजाला बढ़ते जा रहा है, और हम देख रहे हैं कि आप बत्तख पालन भी कर रहे हैं, कुक्कुट पालन भी है, बकरी भी रखी हैं आपने और गाय भी है,
साथ में धान भी लगा रही हैं, सब्जियां भी लगा रही हैं, तो इन सब में किस में आपको सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है, मुनाफा होता है? गाय पालन में। गाय पालन में कौन सी गाय रखी हुई है आपने? जर्सी गाय है। अच्छा। एचएफ है। अच्छा, होल्स्टीन फ्रीजियन। हाँ ठीक है। तो इसका आप जैसे दूध बेचती हैं तो साथ में कुछ पनीर वगैरह वो भी बनाती हैं? जी बनाती हूँ। अच्छा, उसकी बिक्री कैसे करते हैं? 15 गाय है। हाँ। 170 लीटर दूध लेती हूँ, 90 परिवार के लिए दूध गांव के आसपास में ले जाती हूँ, जो सेज बसते हैं उनको दही मक्खन पनीर बनाती हूँ। ये मुझे बताएं कि आप चूंकि मछली पालन भी करती हैं जी, तो मछली का जो बीज, मतलब जो हम लोग फिंगरलिंग्स जिसको बोलते हैं जी, वो मछली का बीज आप कहाँ से लाती हैं? रूहा मछली विभाग से लाती हैं। मछली विभाग से? मत्स्य पालन विभाग से लाती हैं क्या? विभाग से नहीं लाते हैं। विभाग से नहीं, वैसे ही मिल जाता है जी। वहाँ पे और भी बहुत इस तरह के तालाब हैं क्या? मछली पालन काफी वहाँ प्रचलित है? हाँ है ना, काफी लोग करते हैं जी। अच्छा, तो इसीलिए वहाँ पे आपको मिल जाता होगा, क्योंकि नहीं तो कई जगहों में हमने देखा है कि उसके लिए भी आपको मछली पालन या मत्स्य पालन विभाग से लाने की आवश्यकता होती है। एक चीज बताएं कि मछली पालन से आपको तकरीबन साल में कितनी आमदनी हो जाती है? 50 से 60 हज़ार आमदनी। 50 से 60 हज़ार मछली पालन से हो जाती है। और सबसे ज़्यादा आपने कहा कि दूध से आपको फ़ायदा होता है, लेकिन आपके पास काफ़ी संख्या में बकरियां भी हैं जी, उसमें से आपकी आमदनी कैसी हो जाती है? 70 से 80 हज़ार। 70 से 80 हज़ार जी। बहुत बढ़िया, क्योंकि इसका मतलब कि 2009-10 में फिल्म में दिखाया गया था कि आपकी आमदनी कोई 60-65 हज़ार थी जी, और आज आपकी आमदनी 6 से 7 लाख है जी, तो 10 गुना बढ़ी है आपकी आमदनी। क्या बात है, बहुत बढ़िया जी। जी, आज लकेश भाई के साथ बहुत सारी दिलचस्प बातें हमने की है। लकेश जी, मेरे मन में बहुत देर से ये सवाल आ रहा है कि स्टूडियो में आपके साथ कौन आया है आज? मेरे पतिदेव। पतिदेव आए हैं, बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार है आपको। अपने बारे में कृपया कुछ बताएं। मेरा नाम हृदय राम, ग्राम थानापुरी, तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़। मैं अपनी पत्नी की सहयोग समय पूर्वक कर लेता हूँ और उन्हीं दिशा उन्हीं के द्वारा दिशा निर्देश दिए हुए पे काम पे मैं लगा रहता हूँ। उसकी प्रकाशमय मेरी प्रकाशमय है जी। जी, आज इस मंच पर खड़ी है लकेश जी, अपनी सफलता की कहानी सभी तक पहुँचा रही हैं, आपको कैसा लग रहा है, बिल्कुल सच सच बताइएगा। बहुत अच्छा लग रहा है जी, बिल्कुल। आपने कहा कि आप पत्नी के दिशा निर्देश पे कार्य करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा ये शब्द सुन के। पत्नी जी के दिशा निर्देश पे कार्य करने वाले आप पहले पति हैं जिनसे मैं मिला हूं आज, आज की तिथि में। आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आप तो प्रेरणा के स्रोत हैं, मैं विशेष रूप से आपसे सीख रहा हूं, अनेकों अभिनंदन आपके जी। मूल्यांकन की प्रक्रिया को आगे लेकर चलते हैं और लकेश भाई तो मंच पर हमारे साथ ही है। यहाँ पर इस एपिसोड की पहली महिला किसान दुलोरिन पटेल जी से भी निवेदन करती हूँ कि आप भी मंच पर लौट आए। तो छत्तीसगढ़ की दो महिला किसान नायिकाएं इस वक्त हमारे साथ मंच पर मौजूद हैं, दुलोरिन पटेल जी और लकेश भाई जी। इससे पहले कि हम इन दोनों के अंक अपने दर्शकों को बताएं, मैं निवेदन करना चाहूंगी डीडी किसान के एडिशनल डायरेक्टर जनरल श्री आलोक अग्रवाल जी से कि वो इस मंच पर आए और दोनों महिला किसानों को शॉल उड़ाकर सम्मानित करें। जोरदार तालियां। दुलोरिन पटेल जी, लकेश भाई जी, अंक मेरे पास आ चुके हैं बाबला जी। और अंक बताने से पहले एक बार फिर से हम वही बात दोहराना चाहेंगे कि जितनी भी महिला किसान इस मंच पर आती हैं वो विजेता हैं और हमेशा रहेंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने। अंक बताते हुए सबसे पहले शुरुआत करते हैं श्रीमती दुलोरिन पटेल के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स ने दुलोरिन जी को दिए हैं 67% अंक। जोरदार तालियां। बहुत बहुत शुभकामनाएं दुलोरिन जी।
अब बारी है लकेश जी की। लकेश जी को हमारे एक्सपर्ट्स ने दिए हैं 78% अंक। जोरदार तालियां। महिला किसान अवार्ड्स के इस एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। दो और कर्मठ किसान महिलाएं आपके सामने आएंगी अपनी कहानी को बताने के लिए। आप देखते रहिए डीडी किसान की इस विशेष प्रस्तुति को जिसका नाम है महिला किसान अवार्ड्स। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दम पर जैसा चाहा मेहनत से वैसा कर डाला मैंने हाथों की गर्मी से मिट्टी को सोना कर डाला महिला।